हमने 100 डेज की काफी सारी वीडियोस बनाई हैं और उनमें से कुछ वीडियोस में सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब गेम की डिफिकल्टी पहले से और भी ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सर्वाइव करेंगे 100 डेज विद पैरासाइट्स। इन पैरासाइट की स्पीड और डैमेज नॉर्मल मॉब से काफी ज्यादा है और ये ज़ॉम्बी या क्रीपर जैसे मॉब से काफी ज्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा गेम की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी क्योंकि ये वायरस स्प्रेड होता रहेगा। तो क्या हम 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे? हर बार की तरह आंसर है पता नहीं, बट वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट जरूर करना एंड या एंजॉय द वीडियो। हम स्पॉन हुए काफी सुंदर बायो में। हमेशा की तरह हमने वुड इकट्ठा की और फिर कुछ टूल्स बनाए। फिर हम एक बंदर दिखाई दिया जिसे हमने मार दिया। इधर इधर बंदर कहाँ पे? अरे मार मत इसे। थोड़ी दूर हमें एक टावर भी दिख रहा था तो हम उस टावर की तरफ गए। आगे जाकर हमें काफी सारे अलग अलग टाइप के जानवर भी मिले। हमें एक स्ट्रक्चर दिखा जिसके ऊपर स्केलेटन स्कल लगे हुए थे, शायद आसपास कोई तांत्रिक रहता है। तो हमने उस स्ट्रक्चर को तोड़ा और उस स्कल्स को खुद पहन लिया जो कि फैशन के साथ साथ मास्क का काम भी करेंगे। फिर हमें आगे जाकर एक और स्ट्रक्चर दिखा जिसमें एक स्पॉनर था, तो हमने उस स्पॉनर को तोड़ दिया। लेकिन रात होने वाली थी और ना तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगह थी और ना ही सोने के लिए बेड था, तो हम रहने के लिए एक जगह ढूंढने लगे। रात को हमें घर चमकता दिखाई दिया तो हम उस जगह के नजदीक गए, लेकिन वहाँ पर काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे। अरे बहुत सारे मॉब्स आ गए तो हमें उसकी छत पर चढ़ना पड़ा और पूरी रात हमने वहीं पर काटी। अगले दिन हम नीचे आए और हमने काफी सारे मॉब्स मारे। आगे जाकर हमें एक टूटा हुआ घर भी मिला जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। फिर हमें काफी बड़ा पत्थर मिला जिसके ऊपर आयरन और कोल था, तो हम उसे माइन करने लगे। लेकिन उसके ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। अरे आयरन आयरन मार मार मार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई व्हाट द हेक। मार दिया मार दिया। थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद हमें एक बहुत ही छोटा सा घर दिखाई दिया। उस घर में एक इंसान भी था और उस घर के अंदर एक बेड था, तो हमने उसे चुरा लिया। फिर हम दूसरे बेड के लिए वूल ढूंढने लगे, लेकिन काफी ज्यादा रात हो गई। हमने उस इंसान का नाम रखा टैरी भाई। फिर हम टैरी भाई की छत पर चढ़ गए जहाँ से हमें बहुत ही अजीब आवाजें आने लगी। और इसी बीच हमें अपना पहला पैरासाइट भी दिखा जो था एक उड़ते हुए मच्छर जैसा कुछ। अबे दिखा मुझे कुछ दिखा। कहाँ पर? फिर हमने माइनिंग करने का सोचा, लेकिन टैरी भाई के घर के नीचे से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थी। पता नहीं टैरी भाई अपने घर के नीचे क्या क्या करते होंगे। माइनिंग करके हमें आयरन मिला और फिर हम ऊपर आ गए, लेकिन अब उस उड़ने वाले मच्छर ने हम पर अटैक ही कर दिया। अबे दोस्त 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 नीचे आ जा नीचे आ जा नीचे आ जा दोस्त नीचे आ जा नीचे आ जा नीचे आ जा दोस्त। उससे बचकर हम नीचे आ गए और हम सोच रहे थे कि वो टैरी भाई का घर है, पर वो एक्चुअल में टैरी भाई की लैब थी और उसके नीचे उन्होंने काफी अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रखे थे। रुक जा, ये टैरी भाई को क्या हुआ? ये टैरी भाई को क्या हुआ? क्या हुआ? रुक जा, मैं ऊपर जाता हूँ। टैरी भाई कुछ नॉर्मल नहीं लग रहे थे। टैरी भाई नहीं रहे। टैरी भाई तो है। क्या कह रहा है? टैरी भाई का आविष्कार है। टैरी भाई का आविष्कार है। खोल। बाहर छोड़िए, तो अजीब सा ही था, कुछ एक्स्ट्रा ही अजीब सी चीज थी। टैरी भाई को मार दिया इसने। पीछे रहे, टैरी भाई खत्म हो गए। और अफसोस, लेकिन टैरी भाई जिंदा नहीं बच पाए। टैरी भाई के मरने पर हमें काफी बड़ा झटका लगा, तो हमने उनके लैब पर कब्जा कर दिया। गाड़ी। नेक्स्ट डे हम बाहर आए और हमें एक और पैरासाइट दिखा जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, तो हमने उसे दूर रहना ज्यादा पसंद किया। फिर हमने टैरी भाई के आविष्कार को बाहर निकाला। अबे दोस्त आ गया। और टैरी भाई का आविष्कार काफी ज्यादा तेज था, तो इसलिए हमें पानी में जाना पड़ा। पानी के अंदर वो तेज नहीं चल पा रहा था, तो इसलिए हमने उसे आसानी से मार दिया। ये किस चीज से मार रहा है? तो उसको डैमेज नहीं हो रहा। अरे स्वॉर्ड से ही मार रहा हूँ। आयरन को स्मेल्ट करके हमने शील्ड और स्वॉर्ड बनाई, लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाजें आ रही थी। ओए ओए ये क्या था? आ रही है आवाज? हाँ, आ रही आ रही है। हमारा खाना खत्म हो गया तो हमने बहुत सारी बकरियों को मारा और काफी सारा खाना इकट्ठा किया, लेकिन हमारे पास अभी भी एक बैग नहीं था, तो हम पूरी रात लैब में रहे। डे 4 को हमने पूरा दिन भेड़ ढूंढी, लेकिन भेड़ का कोई नामो निशानी नहीं था। पर हमें बाद में पता चला कि हम घास से भी वूल बना सकते थे, तो फाइनली डे के एंड में हमने बेड बनाया। टैरी भाई की लैब रहने के लिए ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया घर बनाने का। अगले 2 दिन तक हमने एरिया को साफ किया और फिर घर बनाने के लिए वुड इकट्ठा की। डे 7 पर हमने घर के लिए एरिया को क्लियर किया और इसी बीच पानी में हमें एक नया पैरासाइट भी दिखा।
एक से साथ कुछ और भी है। नेक्स्ट डे हमने घर बनाना शुरू किया और साथ में हमने घर के चारों तरफ वॉल भी प्लेस की। घर के सामने काफी ज्यादा गन्ने थे तो पूरा दिन हमने सिर्फ गन्नों की फार्मिंग की। अगले काफी दिनों तक हमने सिर्फ घर पर ही काम किया। डे 19 की रात को हमारे घर में फिर से एक उड़ने वाला प्राणी आया। ओ भाई क्या पैरासाइट आया दोस्त, पैरासाइट आ गया बाहर। कहाँ पे? कम ऑन। नाइस। हाँ भाई हो गया बस। नेक्स्ट डे हमने घर के छोटे मोटे काम किए और टेरी भाई के लैब को एक नाम भी दिया जो था टेरी भाई की लैब। डे 21 पर हम जानवर पकड़ने गए लेकिन हमारी मुलाकात दो पैरासाइट से हो गई, लेकिन पानी वाली ट्रिक का यूज करके हमने उन्हें मार ही दिया। फिर हमने जैसे तैसे भेड़ पकड़ी और उन्हें घर के नीचे फेंस लगाकर कैप्चर कर दिया। फिर हमने खाने के लिए कुछ जानवर मारे और रास्ते में हमें बैरी भी मिली। डे 22 पर हमने डिसाइड किया घर से बाहर जाकर एक्सप्लोर करने का। रास्ते में हमें एक केव मिली तो हम उस केव के अंदर गए और उसके अंदर थे एक पैरासाइट भाई, लेकिन नजदीक ही पानी था तो हमने पानी वाली ट्रिक का यूज करके उसे आसानी से मार दिया और उसके बाद हमने पूरा दिन सिर्फ ट्रैवल किया। नेक्स्ट डे हमें एक टावर दिखाई दिया लेकिन वहां जाने से पहले हमने कुछ जानवर मारे और फिर उस बिल्डिंग के अंदर गए जहां पर एक चेस्ट में हमें आयरन हेलबर्ट, डायमंड हॉर्स आर्मर और काफी सारा एपिक सामान मिला और इसके साथ ही हमें चेन आर्मर भी मिला। नजदीक ही एक और बिल्डिंग थी और वहां पर भी एक चेस्ट थी जिसमें दो म्यूजिक डिस्क, गोल्ड हॉर्स आर्मर, एक नेम टैग और आयरन हेलबर्ट थी और इसके साथ ही हमें वहां से एक और चेन आर्मर का सेट भी मिला। उसके बाद हमें रास्ते में एक स्टैचू दिखाई दिया लेकिन थोड़ी देर में ही रात हो गई तो इसलिए हमें वहीं पर सोना पड़ा। डे 24 पर हमने डिसाइड किया घर वापस जाने का। घर से बाहर आए हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया था लेकिन अब एक नई दिक्कत आ गई थी, हम घर का रास्ता ही भूल गए थे। जी हाँ, जिसका मतलब था कि अब हम अपने पुराने घर नहीं जा सकते। तो फिर से हमने ट्रैवल करने का डिसीजन लिया। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद हमें एक बहुत ही सुंदर सी जगह मिली और वहाँ पर काफी सारे जानवर थे तो हमने उन सभी जानवरों को मार दिया और हमारे पास अब काफी सारा खाना हो गया था तो हम काफी देर तक उसी जगह पर रहे। फिर हमें पानी के अंदर एक संकन शिप दिखी तो हमने कुछ डोज बनाए और फिर हम उस संकन शिप के अंदर गए और उसके अंदर एक चेस्ट थी जिसमें था एक सैडल, गोल्डन एप्पल और कुछ पंपकिन सीड्स। थोड़ी आगे जाकर हमें काफी सारे वुल्फ मिले तो हमने उन सभी को टेम कर दिया। काफी ज्यादा रात हो गई थी तो हमें ओपन में ही सोना पड़ा। डे 25 पर हम रहने के लिए एक जगह ढूंढने लगे और तभी हमें घर दिखाई दिया लेकिन अभी देख सामने घर है। घर ही है क्या? घर जैसे लग रहा है। घर अजीब सी आवाज आ रही है ना। अबे ओ भाई व्हाट द हेक, ओ भाई इसके अंदर हेक व्हाट द हेक। उस घर में दो इन्फेक्टेड विलेजर्स और एक इन्फेक्टेड डॉगी था तो इसलिए हमें उन्हें मारना पड़ा। पिछड़ा हमारे मार रहे वुल्फ मार दिया। और रात को हम उसी जगह पर सोए। अगले काफी दिनों तक हमने सिर्फ ट्रैवल ही किया। हमें ट्रैवल करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था लेकिन अभी भी हमें रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। ट्रैवल करते करते हमें एक टूटा हुआ घर दिखाई दिया तो हम वहां पर गए लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन थोड़ी और आगे जाने पर हमें कुछ अलग ही चीज दिखाई दी। अभी रुक जा। हमें बहुत ही सारे जानवर दिखे। जी हाँ, वो सारे जानवर इन्फेक्टेड थे। इन्फेक्टेड है शायद, नॉर्मल तो नहीं लग रहे, नॉर्मल नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनसे नहीं डरे और हमने डिसाइड किया उन्हें मारने का, जो कि ज्यादा अच्छा प्लान नहीं था। अबे आ गए। ओ भाई क्या स्पीड में आए। अरे तेरे कुत्तों को मार दिया इन्होंने। अरे नहीं मेरे कुत्ते। अरे अभी ये आ गया। ओ भाई ओए तेरे ऊपर आ रहा है, मार इसको मार। अबे भाई, भाई। ये क्या था? जैसे तैसे हम ब्रिज बनाकर वहां से बाहर आए और फिर वहां से काफी दूर भाग गए। नेक्स्ट डे हमें एक बहुत ही सुंदर लोकेशन मिली जो कि घर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। तो घर के लिए हमने वुड इकट्ठा की और इस घर को हम पानी के अंदर बनाएंगे ताकि हम पैरासाइट्स और मॉब से बच सके। तो हमने घर बनाने का काम शुरू किया। अगले दिन सुबह सुबह ही एक पैरासाइट भाई आ गए लेकिन उसे मारने में ज़ॉम्बी भैया ने हमारी हेल्प कर दी। ओ ज़ॉम्बी वर्सेस पैरासाइट, कहाँ पे ज़ॉम्बी ने पैरासाइट को मार दिया है? उसके बाद हमें एक ज़ॉम्बी विलेजर भी मिला। काफी मेहनत करने के बाद हमने उसे बोट में बिठाया बट फिर हमें याद आया कि उसे ठीक करने के लिए हमें पोशन की जरूरत है और इस बार हम नेदर में नहीं जाने वाले थे।
तो हमने उसे बोर्ड में ही कैद कर दिया। उसके बाद हमने घर के छोटे मोटे काम किए, लेकिन अब हमें जरूरत थी आयरन और डायमंड्स की, तो हम गए माइनिंग करने। डे 37 से 44 तक हमने सिर्फ माइनिंग की और हमें 2 से ज्यादा आयरन स्टैक, 19 डायमंड्स और थोड़ा गोल्ड मिला। और डायमंड से हमने हेलबर्ट क्रिएट की और चेन आर्मर को ऊपर वाले फ्लोर में सजावट के लिए रखा। डे 44 पर हमने डायमंड की 2 पिकैक्स बनाई और एक डायमंड शील्ड, बट दूसरी डायमंड शील्ड बनाने के लिए डायमंड ही खत्म हो गए थे, तो हमें एक आयरन शील्ड बनानी पड़ी। फिर हमने घर के छोटे मोटे काम किए और उसके बाद हम गए जगह एक्सप्लोर करने, और घर की थोड़ी दूर जाते ही हमें एक बहुत ही बड़ा कैसल मिल गया। अरे भाई साहब, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इतना ज्यादा बड़ा भाई, इतना ज्यादा बड़ा, जिसके अंदर काफी सारी वीट थी और कुछ बुक शेल्फ्स। काफी ज्यादा रात भी हो गई थी तो हम वहीं पर सो गए। नेक्स्ट डे हमने वहां से वीट इकट्ठा की और बाहर आकर एक बार फिर से उड़ने वाले प्राणी ने हमें दर्शन दिए। फिर हमने काफी देर तक ट्रैवल किया और एक टावर तक पहुंचे। नजदीक ही हमें स्केलेटन स्कल वाला स्टैचू मिला, जहां से 2 स्कल गायब थे जो कि हमने लिए थे। जी हाँ, हम वापस सेम जगह पर पहुंच गए थे जहां से हमने गेम शुरू की थी, जिसका मतलब था कि शायद हम पुराने बेस को ढूंढ सके। जल्दी ही रात हो गई तो इसलिए हम वहीं पर सो गए। अगले दिन हमें वही टूटा हुआ घर दिखाई दिया और फिर थोड़ी आगे जाकर वो ज़ॉम्बी वाला एरिया जहां पर हमने अपनी पहली रात काटी थी। उसके बाद हमने काफी देर तक ट्रैवल किया और हमें फाइनली टेरी भाई की लैब दिखी, तो हम लैब की तरफ गए। बट वहां जाकर हमें कुछ अलग ही नजारा दिखा, सारी की सारी शीप इन्फेक्टेड हो गई थी, तो हमें उन सभी शीप को मारना पड़ा। उसके बाद हम दोबारा घर के अंदर गए और हमें वहां से शुगर केन, लेदर और काफी सारा सामान मिला, लेकिन टेरी भाई की लैब से अभी भी आवाज आ रही थी। यहां से आवाज आ रही है, टेरी भाई की लैब से आवाज आ रही है शायद। तो हमने एक बार फिर से टेरी भाई की लैब के नीचे माइन किया और फिर हमने जो देखा उससे हम भी शॉक हो गए। फिर आवाज अच्छी नहीं आ रही कुछ, चलेगा ऐसा नहीं लग रहा कुछ ठीक चीज है। मुझे क्यों गिराया अभी? अरे है, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे क्या करूँ मैं, क्या करूँ? कुछ मत कर, रुक जा है क्या ये, है क्या ये, इधर आ। अरे एक मिनट भाई, ऊपर नहीं आ जाइयो प्लीज यार, ऊपर मत आ जाइयो। Let me check, है क्या ये? अबे खोपड़ी, अबे है तो, है क्या है? खोपड़ी है तो भाई साहब, what the heck, टेरी भाई की खोपड़ी थी ये। डे 47 पर हमने पूरा दिन ट्रैवल किया और घर पहुंचे। नेक्स्ट टाइम से मिलने एक अलग ही हाइब्रिड प्राणी आया। अबे अबे ये क्या आ गया, what the heck भाई साहब, क्या है ये, क्या है? रुक जा अभी यहाँ से आया भागता हुआ भाई साहब। अरे मारे क्यों नहीं रहा ये? हमारे पास एक नेम टैग था तो हमने डॉगी को नाम देने का सोचा, तो उसके लिए हम एनविल बनाने लगे, लेकिन आयरन थोड़ा कम पड़ गया तो इसलिए हमें माइनिंग करने जाना पड़ा। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद हमें आयरन मिल ही गया और उससे हमने फाइनली एक एनविल क्रिएट किया, और काफी ज्यादा सोचने के बाद हमने डॉगी का नाम रखा फिन। काफी टाइम बाद हम किसान बने और हमने पानी के पास कुछ फसल लगाई। पूरा दिन हमने सिर्फ वहीं पर काम किया और साथ में वहां पर थोड़ी सजावट भी की, जिससे वो एरिया रात में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। डे 51 को हमें याद ही नहीं हमने क्या किया था, बट शायद हमने सिर्फ टाइम पास किया था। डे 52 पर हमने एन्चेंटिंग टेबल बनाने का सोचा, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक डायमंड था और एन्चेंटिंग टेबल बनाने के लिए हमें ऑब्सीडियन भी चाहिए था, तो इसलिए हम माइन में गए और ऑब्सीडियन इकट्ठा करने लगे। और लकीली हमें ऑब्सीडियन के नीचे ही 5 डायमंड मिल गए, तो हम जल्दी से ऊपर आए और एन्चेंटिंग टेबल क्रिएट किया। एन्चेंटिंग टेबल के आसपास हमने बुक शेल्फ प्लेस की, लेकिन एक बुक शेल्फ अभी भी कम पड़ गई, तो हम गए गाय पकड़ने। काफी देर तक हमने गाय ढूंढी, लेकिन हमें गाय मिल ही नहीं रही थी। फिर भी हमने अपनी तलाश जारी रखी, बट गाय की जगह हमें पूरी विलेज ही मिल गई, और उस विलेज से हमें बुक शेल्फ भी मिल गए। वहां पर एक चेस्ट से हमें सैडल भी मिले, और वो कुछ ज्यादा ही बड़ा विलेज था। नजदीक ही हमें एक अकेला सा घर दिखा, तो हम उस घर की तरफ जाने लगे, लेकिन साइड में हमें एक और विलेज मिल गई। उस विलेज से भी हमें थोड़ी और बुकशेल्फ मिली, लेकिन इसके अलावा हमें वहां से ज्यादा यूजफुल आइटम्स नहीं मिली। फिर हम वापस उसी अकेले घर की तरफ गए और उस घर के अंदर अंदर है। अच्छा हाँ, इन्फेक्टेड है। घर के अंदर 2 पैरासाइट्स थे, लेकिन जैसे तैसे हमने उन्हें मार ही दिया। फिर हम वापस घर की तरफ आ गए और फॉरेस्ट में आकर हमें किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। अरे आवाज है। सामने ही हमें केव दिख रही थी, तो हम उस केव के अंदर गए, लेकिन हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला और बाहर अंधेरा भी हो गया था, तो इसलिए हम उस केव में ही सो गए। अगले दिन केव के बाहर कुछ ज्यादा ही पैरासाइट स्पॉन हो गए थे। अबे आ गया पीछे आ गया। पानी में आ जाओ। भाई साहब ये क्या चीज है? बहुत बढ़िया, नाइस। तो हम घर वापस आए और हमने एन्चेंटिंग टेबल के पास बची हुई बुक शेल्फ लगाई। फिर हमने चेस्ट में लाया हुआ सामान रखा और उसके बाद हमने फसल काटी। अब हमारे पास 2 सैडल और 2 हॉर्स आर्मर थे, लेकिन हमारे पास कोई घोड़ा ही नहीं था, तो हम गए घोड़े की तलाश पर, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बावजूद हमें कोई घोड़ा मिला ही नहीं।
नेक्स्ट डे घोड़ों की तलाश करते करते हम वापस टेरी भाई की लैब तक पहुंच गए और फाइनली हमें वहां पर घोड़े मिल ही गए। घोड़े लेकर हम वापस फॉरेस्ट में आ गए, पर फॉरेस्ट में काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे तो इसलिए हम घोड़ों को छोड़कर खुद घर में आ गए, क्योंकि घोड़ा तो दूसरा भी आ जाएगा पर हम नहीं। D61 की सुबह पर फिर से एक अजीब सा प्राणी स्पॉन हो गया था। अभी देख 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 सामने फिर से स्पॉन हो गया है। अच्छा हाँ, घोड़ा जैसा ये भी कुछ है ना? घोड़े जैसा तो है नहीं। आया तो है आया 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 भाई साहब, ज़्यादा ही स्पीड इसकी तो कुछ पानी में भी। इस बार तो ज़्यादा लग रही है। घोड़ों को रखने के लिए हमें फैंस की ज़रूरत थी तो हमने लकड़ी इकट्ठा की और घोड़ों के लिए फैंस एक जगह बनाई। अब पहले से काफी ज्यादा पैरासाइट स्पॉन हो रहे थे तो इसलिए हमें डायमंड आर्मर की जरूरत थी तो हम गए माइनिंग पर। बहुत दिनों तक हमने सिर्फ माइनिंग की और अब हमारे पास फुल डायमंड आर्मर लैक डायमंड्स हो गए थे। साथ में हमें काफी सारा गोल्ड और आयरन भी मिला था। तो D69 पर हम माइन से बाहर आए और बाहर आसमान देखने में कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा था। नेक्स्ट डे हमने फुल डायमंड आर्मर, शील्ड और नए टूल्स बनाए और उसके बाद उन सभी को एन्चेंट किया। एरोज बनाने के लिए हमें मुर्गी चाहिए थी तो D71 पर हम गए मुर्गी ढूंढने और इसी बीच हमें इन्फेक्टेड डॉगी और गाय भी मिली, पर हमारी डायमंड हेलबर्ट कुछ ज्यादा ही ओपी थी। विलेज के पास हमें एक मुर्गी दिखी थी तो हम गए विलेज की तरफ। साथ में हमने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए फिन को भी ले लिया। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम विलेज में पहुंचे और वहां से हमने थोड़ी गाजर चुराई। फिन को हमने गलती से पहाड़ पर ही रख दिया बट गांव के नजदीक ही हमें मुर्गी मिल गई। उन्हें लालच देकर हम घर तक ला रहे थे बट उनसे हमें 7 अंडे भी मिल गए, लेकिन सीड्स का लालच देने के बावजूद ही वो हमारे साथ नहीं आ रही थी। शायद उन्हें पता लग गया था कि हम उन्हें कैद करने वाले हैं तो हमने उन्हें मार दिया और फिर हम वापस घर जाने लगे। लेकिन तभी अंधेरा हो गया और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर थे। काफी ज्यादा मॉब भी स्पॉन हो गए थे लेकिन हम सो नहीं सकते थे क्योंकि फ्लेम बैग लेना भूल गया था। ओ भाई, बाल बाल बच गया मैं उससे पैरासाइट से। सो जा, बैट नहीं मेरे पास, वूल एक ही है। अरे यार, वापस घर की तरफ जाने की ट्राई करूँ? टॉर्च है तेरे पास? हाँ है, फिर जा कर तो जल्दी। अबे भाई साहब, भाई साहब व्हाट द हेक, ओ भाई व्हाट द हेक, भाई साहब जंप स्केयर क्या था। तो उसके बाद हमने पूरी रात वहीं पर काटी। नेक्स्ट डे बाहर काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे और हम घर की तरफ जा ही रहे थे लेकिन अबे भाई साहब, भाई साहब व्हाट द हेक, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मेरे पीछे पड़ गया पैरासाइट। तेरे पीछे क्या पड़ रहा है? वही। जैसे तैसे हम इस बार भी बच ही गए। फिर हमने वुड से फेंस क्रिएट किए और मुर्गियों के रहने के लिए एक जगह बनाई, पर हमारे साथ स्कैम हो गया। अरे इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब इससे भी नहीं हुआ कुछ। वाओ। स्कैम, स्कैम ओपी। हमने सारे एग्स हैच कर दिए लेकिन उनमें से किसी से भी मुर्गी नहीं निकली तो हमें एक बार फिर से मुर्गी पकड़ने जाना पड़ा। हमने पूरा दिन सर्च किया लेकिन मुर्गियों की जगह हमें पैरासाइट शीप का पूरा झुंड मिल गया। बहुत ही सारे वो यहाँ पर क्या पैरासाइट शीप। अरे इसके अंदर से बार बार ये क्या निकल रहा है, कीड़े जैसे। अब थोड़े ज्यादा ही नहीं हो रही है स्पॉन। नेक्स्ट डे में फाइनली मुर्गी मिल ही गई और पूरा दिन सिर्फ उन्हें घर तक लाते हुए लग गया। अगले दिन हमने फाइनली बो और एरोस क्रिएट किए और फिर हमने बो को एन्चेंट भी किया। हमें डंजन से म्यूजिक डिस्क भी मिली थी तो हमने जूक बॉक्स बनाने का सोचा, लेकिन जूक बॉक्स के लिए हमें वुड की जरूरत थी और हमारी सारी वुड खत्म हो गई थी तो वुड इकट्ठा करने हम गए फॉरेस्ट में, पर वुड की जगह हमें एक नया प्राणी मिल गया। अंधेरा हो गया। अबे क्या हुआ अभी, ये क्या चीज है फिर से? अरे ये क्या चीज है भाई। लेकिन हमने उसे टाइम पर देख लिया, नहीं तो हमारा खत्म टाटा बाय बाय हो जाता। एरो से हमने उसे आसानी से मार दिया और फिर हमने फाइनली जूक बॉक्स क्रिएट किया और उसमें भूतिया डिस्प्ले की। फिर हमने चिकन को ब्रीड करवाया और सामान को सॉर्ट किया। नेक्स्ट डे हमें याद आया कि हम फिन को विलेज में ही भूल गए थे। ये देख हमारे डॉगी कहाँ पे फंसा है, ऊपर आ। डॉगी एक और था हमारे पास, वैसे यही नहीं था? नहीं नहीं, फिन, फिन थोड़ी ना आए। तो फिन को वापस लाने के लिए हम विलेज में गए, पर फिन की जगह हमें विलेज में कुछ और ही मिल गया। अबे अभी पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे आ जा। कहाँ पे? तेरे पीछे आ रहा है। एक मिनट। अबे मेरे पास मार 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 भाई। ओए ओए कुत्ता 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 कुत्ता, हट हट हट। आया आया आया, फटेगा। अरे अपना ही डॉगी तो नहीं था वो फिर जो मारा अभी? यहाँ पर ही था ना, यहीं हाँ। पर तो था वो, था तो यहीं पर। हाँ, इस पहाड़ के ऊपर ही तो था। पूरी विलेज पैरासाइट से इन्फेक्ट हो गई थी और जिस डॉगी को हमने मारा वो एक्चुअली में फिन था जो कि पैरासाइट बन गया था। दूसरी विलेज में भी कुछ विलेजर्स पैरासाइट बन गए थे और वहां पर हमें एक नई चीज देखने को मिली।
यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है कुछ। देख जी सामने, देख सामने, देख सामने, देख कहाँ पर। ये क्या है? मार तो, मार तो, मार तो। ये है क्या? मर गया, मर गया। पर लकीली ये वाला विलेज पूरा इन्फेक्ट होने से बच गया था। थोड़ी देर विलेज को सर्च करने के बाद हम वापस घर आ गए और रास्ते में हमें एक डॉगी मिला जिसमें शायद किसी पैरासाइट की आत्मा आ गई थी। ये क्या हुआ इस कुत्ते को? देख 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 तो, देखते देख कुत्ते को क्या हो रहा है। अरे अरे क्या हो रहा है इसको? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। इन्फेक्टेड हो गई है भाई साहब। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो गया तो इसलिए हम जंगल में ही सो गए। घर की तरफ जाते हुए हमें एक बेबी ज़ॉम्बी भी मिला। अरे भाई बेबी ज़ॉम्बी, बेबी ज़ॉम्बी, बेबी ज़ॉम्बी, बेबी ज़ॉम्बी। पैरासाइट से खतरनाक तो बेबी ज़ॉम्बी है। फाइनली हम घर पहुंच ही गए लेकिन हमें फिर से वुड की जरूरत थी तो वुड इकट्ठा करने हम साथ वाले फॉरेस्ट में गए। लेकिन हमें एक घर दिखाई दिया तो हम वहां पर गए और वो सेम घर था जहां पर हमें पहली बार वो पैरासाइट विलेजर मिले थे। वहां पर हमें अपना पुराना डॉगी भी मिल गया जो वहीं पर रह गया था। काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था तो हम वहीं पर सो गए। डे 84 को हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो हम गए एक्सप्लोरिंग करने। लेकिन अरे भाई, अबे अबे मेरा घोड़ा मर जाएगा, अबे मर गया, अबे शिट वे। गलती से मेरा घोड़ा मर गया जिसका मतलब था कि हमें एक बार फिर से घोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो हमने पूरा दिन सर्च किया लेकिन हमें घोड़ा मिला ही नहीं। रात होने पर हमें एक घर मिला और उस घर के सामने एक विलेज भी थी। अगले दिन हमें सुबह एक नया प्राणी दिखा। ओ देख सामने क्या है, देख देख सामने क्या है, देख 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 वहां पे जहां पे मैं हूं, ऊपर आ, ऊपर आ, देख ऊपर आ। तो हम उसके पास गए पर वो डिस्पॉन हो गया। फिर हम विलेज में गए पर विलेज में कुछ ज्यादा ही बड़ा पैरासाइट था, कुछ ज्यादा ही बड़ा। मेरे पास है तो ज्यादा। अबे ये क्या चीज है? इसके ऊपर देख, इसके ऊपर देख, घर के ऊपर देख, घर के ऊपर। क्या भाई साहब, द हेक। पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे आ जा, अलग ही। नजदीक नजदीक मत जा, नजदीक मत जा, जानवर भी नहीं है। रुक जा, रुक जा, रुक जा। कीड़े की तरह है तो कुछ तो मेरा घोड़ा जाएगा। वो हमारी तरफ आने लगा लेकिन वो घर में ही फंस गया। तो हमने उसके ऊपर सारे एरोज यूज कर दिए पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो पैरासाइट दिखने में काफी भयानक लग रहा था तो हमने सोचा क्यों ना हम उसमें आग लगा दें। तो हमने उसमें आग लगाई लेकिन पैरासाइट की जगह पूरा घर जल गया। पर पैरासाइट को कुछ हुआ ही नहीं और उसे मारना इम्पॉसिबल लग रहा था तो हमें वहां से जाने का डिसीजन ज्यादा अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद रात हो गई तो इसलिए हमें जंगल में ही सोना पड़ा। नेक्स्ट डे भी हमने सर्च कंटिन्यू रखी। हमें एक विलेज मिला बट लकीली इस बार वो इन्फेक्टेड नहीं था। विलेज के नजदीक हमें एक पॉइजन का तालाब भी मिला जिसे हमने गलती से नॉर्मल पानी समझा और उसमें हम डॉगी के साथ कूद गए। अबे अबे वधेक, वधेक ये क्या है भाई साहब? दे दे देख, पर्पल पानी है। अरे डॉगी भाई, डॉगी क्या है? पॉइजन। ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। बट लकीली हमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी और देर सर्च करने के बाद हमें उसी विलेज के पास एक घोड़ा मिल गया जिसे हमने बड़ी मुश्किल से टेम किया। काफी दिन ट्रैवल करने के बाद हम वापस घर आए लेकिन घर के पास जमीन काफी अजीब सी हो गई थी। अभी ये क्या है? रुक सा, चीज़ है। ब्लॉक्स कर इकट्ठा। इन्फेस्टेड ब्लॉक क्या है? इन्फेस्टेड ब्लॉक। आ कहाँ से रहा है? बहुत। अरे पीछा जा, पीछा जा, पीछा जा, डॉगी। इसके ऊपर खड़े होकर डैमेज हो रहा है इसे। नजदीक ही दो पैरासाइट वाले पेड़ भी स्पॉन हो गए थे। अरे देख यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पीछा 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 जा, पीछा जा। देख यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। जो विलेज में मिला था वैसा ही है भी, पेड़ जैसा। अरे दो है यहाँ पे, दूसरा भी है। अरे हाँ, दो है, दो है भाई साहब। इसकी वजह से हुआ ये। मार मार दे, मार दे भाई। कितने हो गए स्पॉन भाई साहब? डैमेज हो रहा है इसके ऊपर खड़े हो गए। धीरे धीरे वो अजीब सी चीज पूरी जमीन में फैल रही थी और उसके नीचे से हमें आवाज भी आ रही थी। तो हमने ब्लॉक्स रिमूव किए और उसके नीचे एक और पैरासाइट वाला पेड़ था। उस पैरासाइट की वजह से पूरी जमीन इन्फेक्ट हो रही थी और पता नहीं कैसे पर उसे डैमेज भी नहीं हो रहा था। इसके साथ ही उसके अंदर से पैरासाइट भी स्पॉन हो रहे थे। अबे इसके इसके अंदर से आया ये। अरे भाई इसका क्या करूं? ओ भाई साहब, व्हाट द हेक। भाग जा, भाग जा, भाग जा भाई। क्या क्या गया? भाग जा भाई साहब। क्या चीज थी वो? जिसका मतलब था कि हमें उसे जल्दी मारना पड़ेगा। तो हमने उसके ऊपर लावा फेंकने का सोचा। तो हमने नीचे जाकर माइन से लावा लाया और उसके ऊपर लावा फेंका पर पता नहीं कैसे लावा गुम हो गया। तो हमें एक बार फिर से माइन में जाकर लावा लाना पड़ा। फिर हमने फाइनली उसके ऊपर लावा फेंका। लावा से उसे डैमेज तो हो रहा था पर उस प्राणी के पास कुछ ज्यादा ही हेल्थ थी। डे 95 पर फाइनली वो लावा से मर ही गया। पर अब एक नई चीज स्पॉन हो गई। ये तो कुछ अलग ही चीज हो गई अब। उसे तो हमने मार दिया पर हमारा डॉगी भी मर गया।
अरे डॉगी, अबे यार इसके ऊपर मर गया है यार। डर्ट अभी भी इन्फेक्ट हो रही थी, उसके ऊपर हमने लावा फेंककर भी देखा लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो हमने उसकी साइड से डर्ट को रिमूव कर दिया ताकि वो आगे और ज्यादा इन्फेक्ट ना हो, और उसी काम में हमारा पूरा दिन लग गया। घर के पास ही हमें इन्फेक्टेड शीप दिखी तो हम जल्दी से उनके पास गए और बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें मार दिया। केव से हमें काफी अजीब आवाज आ रही थी तो हम उसके अंदर गए और अरे यहाँ पे बियो, एक मिनट यहाँ पे बियो पेड़। अबे यार जी हाँ, केव के अंदर एक और पैरासाइट ट्री स्पॉन हो गया था और ये पिछले पैरासाइट से काफी बड़ा था, तो उसके ऊपर हमने लावा फेंका लेकिन उसके अंदर से एक नया पैरासाइट स्पॉन हो गया। अरे पीछे आ जा, पीछे आ जा, ऐसे निकला कुछ, निकला ऐसे कुछ। अरे विदर जैसा ये तो कुछ, रुक जा। इसके साथ ही उसके अंदर से काफी पैरासाइट भी स्पॉन हो रहे थे, तो हमारा पूरा दिन सिर्फ उन्हें मारते हुए गया। ब्लॉक रिमूव करने वाला तरीका काम कर गया, अब ब्लॉक्स इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे। इसी बीच दो लंबे पैरासाइट ने हम पर अटैक भी किया। ओ भाई, अभी दिख तेरे पीछे आ, ये दो तेरे ऊपर आए, पर हम उनसे बच गए। हमारा खाना खत्म हो गया था तो हमने फसल काटी और उससे ब्रेड बनाई और फिर हम वापस केव में गए। वो प्राणी काफी ज्यादा पैरासाइट स्पॉन कर रहा था तो उसे जल्दी से मारना जरूरी था। हमने उसके ऊपर लावा फेंका पर वो फिर से गुम हो गया। अब पता नहीं क्या जादू हो रहा था, लावा खुद ही गुम हो जा रहा था, तो एक बार फिर से हमें लावा लाना पड़ा, तो उसके ऊपर हमने लावा फेंका और वो मर गया। ऐसा हम सोच रहे थे जब हमने ऊपर देखा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्राणी स्पॉन हो गया था। अभी ऊपर है, अरे ये नहीं था, ऊपर देख ऊपर। अबे भाई ये क्या चीज है, अबे भाई ये क्या चीज है। लेकिन बाहर अंधेरा भी हो गया था तो हम सो गए। नेक्स्ट डे हम वापस उसी जगह पर गए और क्योंकि पैरासाइट ऊपर था तो हमें भी उस जगह के टॉप पर जाना पड़ा। थोड़ी देर माइन करने के बाद हमें आखिरकार उस पैरासाइट का सर मिल ही गया और हमने बिना टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर लावा फेंका, पर उस प्राणी के पास पैरासाइट वाले पेड़ से भी ज्यादा हेल्थ थी तो उसे मरते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग गया, पर आखिरकार वो मर ही गया। लेकिन मरने के बाद भी उसका कुछ हिस्सा बच गया और उसके अंदर से और भी नए प्राणी स्पॉन हो रहे थे, लेकिन जैसे तैसे हमने उसे भी मार दिया और आखिरकार वो पैरासाइट पूरी तरह से खत्म हो ही गया। दो दिन तक लगातार काम करके हमने पूरे इन्फेक्टेड ब्लॉक्स को रिमूव किया और उनकी जगह नए ब्लॉक्स लगाए ताकि बायोम फिर से इन्फेक्ट ना हो, और इसी के साथ हमने 100 डेज सर्वाइव कर ही दिए। तो होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को बनाने में हमें ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। लेट्स एम फॉर 50,000 लाइक्स। लाइक एम इस बार बहुत ही ज्यादा बड़ा है, पता नहीं कंप्लीट भी होगा कि नहीं, बट प्लीज कंप्लीट कर देना। और तुम हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और अगर तुम में से कोई ट्विटर यूज करता है तो वहां पर भी फॉलो कर देना। चलाते तो वैसे हम भी नहीं है, पर या तब तक के लिए बाय बाय, पीस।